अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को मोटो ब्लॉगिंग क्विट करनी पड़ेगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी मेरे को, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार तुम्हारे भाई। सो हेलो दोस्तों, कैसे तुम सब लोग? आई होप तुम सब लोग अच्छे होंगे। सो आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से तबीयत वगैरह ख़राब थी। सो आज है 15 अगस्त। सो आज वैसे तो कुछ सोचा नहीं है खास इतना, बट अभी मेरे पुराने वाले स्कूल में कुछ कुछ कार्यक्रम तो होते रहते सारे स्कूल में, तो वो मैं उधर जा रहा हूँ अभी फिलहाल। सो देखते हैं, अगर कार मिली तो कार लेके चलेंगे, और अभी मैं नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ। सो बस अभी निकलना ही है उधर के लिए। आज का रहेगा बस डेली ब्लॉग। सो चलो देखते हैं आज क्या क्या करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं बैठे पड़ा था, बहुत सर्दी खांसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही, बहुत सारा दर्द कर रहा था। सो आज फाइनली थोड़ा सा रेस्ट मिला है। सो चलो अभी थोड़ा फटाफट निकलता हूँ मैं नीचे के लिए। सो चलो जाके नीचे मिलता हूँ। एक बार ड्रेसअप चेक कर लो, कुछ ऐसा ड्रेसअप है मेरा अभी आज का। सो चलो अभी चलते हैं नीचे, नीचे आके तुमसे मिलता हूँ। सो गाइस, जाते जाते मेरे को पापा मिल गए थे, मतलब पापा घर पे नहीं रहे, बाहर गए थे। तो पापा ने बोला कि पहले मेरा फोटोशूट कर ले, फिर निकल जा रहे यहाँ से। सो पहले पापा फोटोशूट करते हैं, फिर निकलते हैं स्कूल के लिए। सो लेट्स गो, मिलता हूँ मैं आपको फोटोशूट करने के बाद पापा का। सो अभी जा रहे हैं नीचे, फोटो वोटो खींच लिया। सो अभी चलो नीचे चलते हैं। वो गाइस कार से जा रहे हैं। सो पहले तो विंडो नीचे कर लेते हैं और गाड़ी घर से बाहर निकाल लेते हैं पहले, फिर मिलता तुमसे। लेट्स गो गाइस, कार निकाल लिए घर से। सो अभी निकलते हैं। सो फर्स्ट टाइम अकेले निकाल रहा हूँ कार। सो चलो अभी जा रहे हैं स्कूल की तरफ, कुछ फ्रेंड्स भी आई है, पुराने वाले फ्रेंड्स। सो उनसे भी मिलाऊंगा तुम्हें। मैं कुछ स्कूल में, और स्कूल में सब खत्म हो गया, थोड़ा लेट आ गया मैं, थोड़ा क्या बहुत लेट आ गया। सो अभी अंदर दोस्त लोग हैं, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। सो चलो थोड़ी देर अपने ओल्ड स्कूल में, यही था मेरा पुराना स्कूल, तो बता दो KVCRP ऑफ नागपुर। सो चलो अभी इसके अंदर जाते हैं और तुमको मिलाते हैं मेरे दोस्तों से। सो लेट्स गो। वो देखो बलून भी आ गया। सो तुमको मैं एक बार फ्रंट से चेक कराता हूँ मेरा स्कूल कैसा था, मतलब कैसा है, मतलब था। सो आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए गाड़ी भी नहीं दे रहे थे घर वाले, पर दे दिए। ये चेक करो, ये था मेरा ओल्ड स्कूल। सो ये आगे दोस्त लोग हैं। इस अंदर तो कुछ है नहीं, बट खाली फुकट जा रहे हैं अंदर। एक बार जाते हैं, फिर एक बार चेक कराते हैं तुमको मेरा पुराना स्कूल कैसा था। सो चलो अंदर चलते पहले। हमारे स्कूल का बैक गेट, नहीं 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 वो कम नहीं होंगे, प्लीज चेक करो। लेट्स गो गाइस, अभी निकल रहे हैं वापस घर के लिए। घर के लिए मतलब कहीं और टाइम पास करेंगे, क्योंकि जब मैं पहुंचा तो लेट हो गया था। सो अभी जा रहे हैं अपने कार की तरफ, वहां से उठाते कार, फिर चलते कैंटीन की तरफ जाके बैठेंगे। अच्छा तो गाइस, कार में आके बैठ चुके हैं, अभी जाएंगे थोड़ा कैंटीन के पास जाके चिल करेंगे, बैठेंगे थोड़ा बहुत टाइम पास। हवा वाली के साथ देखो, इसको देखो, मत कर बैठे असि बैठे हां बठाया बंदे उठने नहीं देते। ओ गैंग साइन हत्था दा सिरो करता अखा दा दिला युद्ध करे कब जे ओ बोड़ वांगू जदा मत टुकी अखड़े लोका दा दिए में पिंगे बवे घूमते। गाइस सारे दोस्त चले गए घर पे, जब मैं पहुंचा तो वहां पर बहुत ज्यादा लेट हो चुका था,
क्योंकि मैं 10 बजे पहुंचा था, मेरे को किसी ने बताया 10 बजे है, सो मैं 10 बजे गया था वहाँ पर, तो 10 बजे तक खत्म हो गया था। सो अभी दूसरे प्रथमेश के घर पे आऊँ, सो अभी इसको ले रहा हूँ अभी, और थोड़ी देर बस कैंटीन के पास गाने वाने सुनेंगे कार में बैठे बैठे, फिर निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि 3 बजे आएंगे वापस, क्योंकि मैच है आज क्रिकेट का, तो वो खेलने जाएंगे। सो ये नॉर्मल ब्लॉग ही है, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ ये नॉर्मल ब्लॉग ही है, सो इसको वैसे ही देखना 15 अगस्त के हिसाब से मत देखना, सो नॉर्मल ब्लॉग है, सो नॉर्मल ब्लॉग ही रहेगा। सो चलो अभी प्रथमेश आने का वेट करते हैं, जैसे वो आता है फिर निकलते हैं। सो गाइस, तुम्हारा भाई जा रहा है वापस घर, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, गर्मी हो रही है यहाँ पर। सो अभी निकल रहा हूँ घर के लिए, और फिर घर के वहां से आने के बाद फिर जाएंगे अपन खेलने के लिए, 3 बजे खेलने के लिए जाएंगे, मैच है। सो अभी जा रहे हैं घर की तरफ। सो ये चेक करो, आज अलग ही रिएक्शन। सो गाइस, तुम्हारा भाई पहुंच चुका है घर, अभी यहाँ से फ्रेश होकर होते कि बहुत ज़्यादा थक गया, कि बहुत ज़्यादा धूप थी। सो पहले फ्रेश होता है, फिर तुमसे मिलता है तुम्हारा भाई, तब तक के लिए बने रहो। 3 hours later। सो गाइस, अभी तुम्हारा भाई आ चुका था घर पे, और घर पे आने के बाद मतलब पूरा रेडी होकर हो चुका, मतलब खाना खाना खा लिया था, फ्रेश होकर हो गया था, और काफ़ी देर तक घर पर बैठा था, और अभी बच चुके 3। सो अभी मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, सो लेट्स गो, उधर ही जाता है, बस रबड़ वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि तकलीफ जाती है क्रिकेट खेलते वक्त, सो बांध के खेलता हूँ। सो चलो अभी चलते हैं क्रिकेट खेलने, में जा रहा हूँ ग्राउंड पे, सो चलो वहीं पे आकर तुमसे मिलता हूँ मैं सीधा। तो गाइस, मैच स्टार्ट हो चुकी है, तुम्हारा भाई ब्लॉग भी बना रहा है, और ये भी चल रहा है अपना ब्लॉग भी चल रहा है, और मैच भी चालू है, ये चेक करो, हमारी फील्डिंग है पहले, सो ये चेक करो तुम। सो विनय, तू बता मेरे को, तू ऐसा टॉस जीतता क्यों हर बार? दो मैच खेल, जितना पूछा उतना बोला, दो मैच खेले आज, दो के दो तू जीता मैच, तो कैसे, मतलब वो कैसा? मत कर यार, मत कर, बता। नहीं नहीं, तू बता। ये हमारे, मेरे साथ मेरी टीम है, उनका भरोसा रहता है मुझ पे, और जो टीम मुझ पे भरोसा दिखा के भेजती है मुझको उसमें टॉस करने के लिए, इसलिए हम टॉस जीतते हैं, और फिर हम बैटिंग चुनते हैं, मम्मी को लेकर चलो, बहुत मारते हैं। सही है, कांग्रेचुलेशन, एक मैच जीते एक मैच हारे वो कोई ना। सो चलो मिलते हैं तुमसे बाद में, हाँ बाय बाय। तो गाइस, अभी इनकी बैटिंग है बस, फिर लास्ट है, फिर उसके बाद घर चल जाऊंगा, चार्ज भी नहीं फोन में, सो लेट्स सी, देखते क्या होता है, ब्लॉक कर पाता हूँ कि नहीं, देखते रहते। सो गाइस, फाइनली मैच जीत चुके, अभी जा रहे घर के लिए, काफी ज्यादा थक गए, सो लेट्स गो, अभी थोड़ा बहुत बैठ रहे, फिर निकल रहे घर के लिए। बैठे कार विच मेरे जोन में जे यार ये बट खान इंदे मंगे जान जावे। सो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका था खेल कूद के घर पे, आ गया था, बट मैं उस दिन वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि भाई उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि पहले से तबीयत और ख़राब चालू थी, सो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने वीडियो वगैरह कुछ शूट नहीं किया। अभी 5-6 दिन हो गए उस बात को, 15 अगस्त को गए हुए, सो आज है 21 तारीख, सो ये वीडियो शायद तक 22 तारीख तक अपलोड हो जाएगा। सो मेरे को तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी, जैसे कि काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि देखो कमेंट बॉक्स में, तो इतने लोग नहीं बोलते, क्योंकि मेरी अभी तक ये नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है इतने। सो मेरे को मेरे दोस्त लोग बोलते रहते थे, और कुछ कुछ बंदे जो है रियल है शायद तक, सो वो मेरे को बोलते थे तुम मोटो ब्लॉग के नाम पे थब्बा हो, तुम मोटो ब्लॉग नहीं बनाते हो, और बस नाम का मोटो ब्लॉग लिख के रखा डिस्क्रिप्शन में। सो आज तुमको मैं रीज़न बताता हूँ कि मैं मोटो ब्लॉग क्यों नहीं करता हूँ, मोटो ब्लॉग ना करने का भी रीज़न है। सो अभी बैकग्राउंड वगैरह सब इग्नोर करना, तुमको मैं रीज़न बताता हूँ। देखो सीधा सा रीज़न है, अभी मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर सकता, क्योंकि ना मेरे पास
इसका GoPro है, GoPro का छोड़ो, GoPro का एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, अपने पास फोन है तो फोन से कर सकते हैं, बट फोन में भी दिक्कत है। सो तुमको मैं दिक्कत दिखाता हूँ, पहले मेरे फोन की दिक्कत तुमको शीशे में जाके दिखाता हूँ। सो लेट्स गो गाइस, तुमको मैं शीशे में जाके दिखाता हूँ कि मेरे फोन में आखिरकार दिक्कत क्या है। मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूँ, अभी सुबह सुबह की हालत है, थोड़ा बहुत साफ सफाई चालू है, तो उसको करो इग्नोर। सो तुमको अभी मैं दिखाता हूँ मेरे फोन में प्रॉब्लम क्या है, तुमको यही से दिख रही होंगी शायद। देखो कि जो वाइड एंगल का कैमरा है ना, उसमें थोड़ी बहुत धूल घुस गई है, जब से मैंने फोन खरीदा तब से यही है, यही सही ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है। एक बार मैंने ठीक भी करा था इसको, बट वापस ये सब हो रहा है, इसलिए मैं मोटो ब्लॉक कर नहीं पा रहा हूँ। और एक और रीज़न है, सो तुमको दिखाता हूँ, ये चेक करो, ये जो मेरा मोटो ब्लॉक का था यही टूट गया है, मतलब यहाँ से नहीं, इसका कहा गया माउंट कहा गया कहा गया। सो गाइस ये देखो, इधर एक नट आता है, ये जो खोलना मैं खोलना था तो ये गलती से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, इस कारण मैं मोटो ब्लॉक का सेटअप भी नहीं बना कर पा रहा हूँ अपना। सो इसलिए मोटो ब्लॉक भी नहीं हो पा रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं अभी अगर अपना दिवाली तक मोटो ब्लॉक का सेटअप आता है तो हम मोटो ब्लॉक भी शुरू कर देंगे। सो ये तो बात करनी थी, और एक और बात करनी थी, तो तुमको मैं दूसरे रूम में जाके पहले मिलता हूँ। सो गाइस इसी सब कारण की वजह से अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को मोटो ब्लॉगिंग क्विट करनी पड़ेगी। सो मतलब थोड़े महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए, फिर जैसे अपना मोटो ब्लॉग का सेटअप आता है, GoPro वगैरह आता है दिवाली तक, सोचा है मैंने। सो अगर आ जाता है तो फिर हम फिर से मोटो ब्लॉग वगैरह शुरू करेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएंगे। सो मेरी इच्छा तो बहुत होती है मोटो ब्लॉग बनाने की, बट थोड़े बहुत वही रीज़न थे इसलिए नहीं बना पाता था। सो अब बाकी बाद में बात अगले ब्लॉग में करते बाकी बातें। सो अब इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ तुमको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना, और सपोर्ट दिखाओ यार, तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी मेरे को। सो प्लीज़ सपोर्ट करो यार तुम्हारे भाई को भी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय। तो हाथ आ गया।